हेलो ऑल, अगर आपका बच्चा 3 महीने का हो चुका है या 3 महीने का होने वाला है तो बच्चा इस एज में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है या फिर बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चा 3 महीना कम्प्लीट कर चुका है या फिर 3 महीने का होने वाला है तो अगर ये एक्टिविटीज़ आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल मम्माज बेबीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत से बेबी केयर वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक एवरेज वेट और हाइट 3 महीने के बच्चे का कितना होना चाहिए, तो अगर आपके बच्चे की उम्र 3 महीने है और आपका बच्चा प्रीमैच्योर नहीं है और बेबी गर्ल है तो उसका वेट होना चाहिए 4.7 kg से 6.3 kg के आसपास। अगर बच्चा प्रीमैच्योर हुआ है तो उसका वेट इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। बाकी दोस्तों, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं तो एक एवरेज वेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेबी गर्ल की हाइट की तो 59.8 सेंटीमीटर इस एज में लगभग बच्चे की हाइट रहती है। अगर हम बात करें बेबी बॉय की तो बेबी बॉय का 3 महीने की एज तक वेट होना चाहिए 5.1 kg से 6.9 kg के बीच में। इसी के साथ अगर हम हाइट की बात करें तो बेबी बॉय की इस एज तक हाइट होनी चाहिए लगभग 61.4 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों में वेरी कर सकता है, प्रीमैच्योर बच्चा है तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा कम हाइट और वेट बच्चे का 3 महीने की उम्र में रह सकता है। अब अगर हम बात करें अदर एक्टिविटीज़ की तो इस उम्र में बच्चा 13 से 16 घंटे के आसपास सोता है। अब कुछ बच्चे इससे 1-2 घंटे ज़्यादा सो सकते हैं और कुछ बच्चे इससे 1-2 घंटे कम सो सकते हैं, लेकिन एवरेज बच्चा इस एज में इतनी नींद लेता ही है। अब हम बात करते हैं अदर एक्टिविटीज़ की तो इस एज तक आते आते बच्चे का लगभग जो स्लीपिंग पैटर्न है वो फिक्स हो जाता है। अगर आप शुरुआत से ही बच्चों को, जैसे न्यूबॉर्न होता है तब से ही बच्चों को आपको अगर स्लीपिंग पैटर्न आप सेटल करते हैं तो इस एज तक आते आते यानी कि 3 महीने तक आते आते आपको समझ में आ जाता है कि बच्चा कब ज़्यादा सोता है, कब कम सोता है, कितना आपके बच्चों को आपको सुलाना है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है, दिन में बहुत ज़्यादा सो रहा है और अगर उसका आपने स्लीपिंग पैटर्न सही से सेट किया है तो इस उम्र तक आते आते बच्चे का एक स्लीपिंग पैटर्न फिक्स होने लगता है, जैसे कि बच्चा रात को ज़्यादा सोने लगता है और दिन में कम सोने लगता है। तो ये कुछ हुई बेसिक बातें। अब मैं बात करूँ अदर एक्टिविटीज़ की तो इस एज तक बच्चा जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनको पहचानने लगता है, जैसे कि बच्चे की मदर हुई जो उसके सबसे क्लोज रहती है, उनके फेस को बच्चा लगभग पहचानने लगता है। इसके अलावा बच्चे के अगर आसपास उसके फादर हैं या उसकी ग्रैंड मदर है, जो भी उसके आसपास ज़्यादा रहते हैं वो उनको पहचानने लगता है। और अगर सडन कोई नया पर्सन आता है तो बच्चा उसको देख के इस एज में आते आते रोने भी लग सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है कि कौन उसके सबसे ज़्यादा आसपास रहता है और कौन एकदम से उसके लिए नया है। तो ये चीज़ भी आप इस एज तक आते आते बच्चे के जो एक्टिविटीज़ है उनमें नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें बच्चा करने लग जाता है, अभी तक बच्चा आप देखेंगे कि जो उसकी नेक थी उसको 180 डिग्री तक ही बच्चा घुमा पाता था, लेकिन जब बच्चा 3 महीने कंप्लीट कर लेता है तो बच्चे की जो नेक है वो भी अब उससे थोड़ी सी ज़्यादा घूम सकती है, जैसे कि 360 डिग्री भी बच्चे की नेक को घुमा सकता है। वो अपनी आंखों का मूवमेंट भी अब पहले से ज़्यादा करने लग जाता है, चीज़ों पे फोकस करने लग जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो देखता नहीं है सही से चीज़ों की तरफ, वो उसकी जो आंखें होती है वो एक चीज़ पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती है, लेकिन इस एज तक आते आते बच्चे की जो आँखें हैं वो भी 180 डिग्री से 360 डिग्री तक आराम से मूवमेंट कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे की नेक होल्डिंग का कि बच्चा इस एज तक क्या गर्दन संभालने लग जाता है, तो थोड़ा थोड़ा बच्चा इस एज तक गर्दन संभालने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसका हल्का फुल्का उसकी जो नेक होती है उस पर भी कंट्रोल आ जाता है। कुछ बच्चों में कम आता है, कुछ में ज़्यादा आता है, लेकिन हल्का फुल्का इस एज में बच्चा अपनी जो नेक है उसको भी होल्ड करने की कोशिश करने लगता है। इसके अलावा अगर आप बच्चों को इस एज से टमी टाइम दिलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उसमें भी थोड़ा सा पेरेंट्स को सपोर्ट करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिक एक्टिविटीज़ होती है जो एक 3 महीने का बच्चा करने लग जाता है। अब बात आती है कि बच्चा अगर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं कर रहा है तो एक बार आपको डॉक्टर से
कंसल्ट करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि वो किसी भी आवाज़ में या कोई भी बच्चे के सामने ज़ोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है या कोई भी वॉइस के लिए बच्चा बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है और 3 महीने का हो चुका है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चे का जो उसकी नेक है उस पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है, जैसे हुआ था तब से लेकर अभी तक उसकी नेक पे उसका बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं आया, बच्चा 3 महीने पूरा कर चुका है, तब भी आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। और जो बच्चा जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं उनमें और जो एकदम से कोई उसे नया दिखता है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा है, रो नहीं रहा है एकदम से अननोन को देख के, तब भी आपको थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता है और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो 3 महीने के बच्चों की एक्टिविटीज़ में नोटिस किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट माइलस्टोन के साथ, टिल देन बाय बाय।